आजकल टीवी अखबार मोबाइल कुछ भी देख लो आप अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं और कुछ न्यूज चैनल वो फिर ऐसी खबरें लेके आते हैं कि आप हैरान हो जाते हो। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कीनिया से कि कीनिया की विधानसभा में किसी सदस्य ने चलते सदन में ऐसी गैस छोड़ी कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये रियल न्यूज है अर्चना जी। ओह गॉड, पहली बार हुआ होगा कि सड़न की वजह से सदन स्थगित हुआ। ओह अच्छा, वैसे ऐसे आदमी का फायदा भी है, कहीं लोग धरने में बैठे हों, पुलिस को लाठी चार्ज, कोई आंसू गैस की जरूरत ही नहीं, ऐसे आदमी को बीच में बिठा दो और पीछे से बोल दो फायर, एक मिनट में मैदान खाली। अच्छा, ब्रिटेन से खबर आई, एक लड़की ने कम से कम 200 लड़कों के साथ डेट की, उसको कोई पसंद नहीं आया, हार के उसने कुत्ते से शादी कर ली। क्या बात कर रहा है, सच्ची खबर है ये जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पर एक बात अच्छी है, अब इस लड़की का हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि शादी के बाद कुत्ते जैसी हालत हो गई, क्योंकि वो तो है ही कुत्ता। ये सही है। हरियाणा के गांव में एक आदमी ने अलग ही तरीका अपनाया, उसने फसल के ऊपर ना देसी दारू का छिड़काव करना शुरू कर दिया। क्यों? उसने सोचा होगा कि जब दारू पी के आदमी लहराता, हो सकता फसल भी लहराए। अब पता नहीं। अभी बीच में खबर आई कि चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, ये हमारे दास दादा ये पीछे पड़ गए, बोलते मुझे ले जाते, मैं अच्छी फोटो खींचता उधर, पृथ्वी की फोटो खींच के भेजता। मैंने कहा दादा 20 मीटर दूर श्रद्धा कपूर बैठी होती है, उसकी फोटो आप खराब कर देते हो, अनु कपूर जैसी लगने लगती है, तो पृथ्वी की फोटो कहां से खींचते हो दादा? पिछले दिनों राहुल बोस एक एक्टर है, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला जिसमें होटल ने उनको चार्ज किया 2 केलों के 450 रुपए। अब मैं सोचता हूँ ये जो केले हैं इनको छिलके क्या मनीष मल्होत्रा ने पहनाए होंगे, इतने मतलब महंगे केले। सोचो आप कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर आई, एक आदमी फ्लाइट में बैठा हुआ था और ऐसे लड़कियों को ताड़ रहा था, तो उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, उसने लैपटॉप उठा के उसके सर पे मार दिया। वेरी गुड। पर ये आदमी लोगों की आदत भी खराब है, पर जब घर से टिफिन लेके निकले हो तो दूसरों की थाली में क्यों झांकते हो? तो दूसरों की बिरयानी ताड़ने से अच्छा अपनी खिचड़ी ठीक है। अच्छा, फ्लोरिडा से एक और खबर आई, एक बच्चे ने 911 पे कॉल करके पुलिस को पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अच्छा, कमाल की बात ये, पुलिस पिज्जा ले भी आई। What? ये कहीं अपनी कंट्री में होता, पुलिस को फोन करके पिज्जा ऑर्डर करते, ये घर आके आदमी के दोनों बर्गर सुझा के जाती। ब्राजील से खबर आई होगी, आपने सुनी होगी कि एक आदमी गैंगस्टर था, जेल में था, उसकी बेटी मिलने आई, बेटी के कपड़े पहन के भाग गया। पकड़ा तब गया जब वो बाथरूम गया, उसने आईना देखा ही नहीं। पुलिस ने बोला ये कैसी औरत जो आईना नहीं देखे गई, वो तब पकड़ा गया। कैसी कैसी खबरें आ रही है। पिछले दिनों एक खबर आई कि एक बोलने वाले तोते ने एक महिला को उसके पति के सामने डायन कह दिया। ओह, तो जो बीवी थी तोते से ज्यादा पति पे भड़क गई, कहती तुम क्या चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? कहता तोते ने कहा तो इतना भड़क रही, मैं कहूंगा तो मुझे मार दोगी तुम। अजीब अजीब खबरें। एक खबर आई कि पेरू में शादी के वक्त दूल्हे की पिटाई करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ शादी वक्त नहीं होता ये। अच्छा, आजकल जो न्यूज रूम डिबेट चल रही होती है, अलग अलग पार्टियों के चार चार बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, बीच में एक फीमेल एंकर बैठी होती है, उसके पास एक पावर होती है, बीच में कभी भी किसी को भी म्यूट कर सकती है। कोई नेता बोल रहा ना हमारी पार्टी ने जो विकास किया है वो विपक्ष आने वाले कई साल में नहीं कर पाएगा। तो एंकर एक दो बार प्यार से समझाती भी, ब्रिजमोहन जी सुनिए शांत हो जाइए, ब्रिजमोहन जी मुद्दे पर आइए, ब्रिजमोहन जी, उसके बाद भी हटता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हमारी पार्टी ने जो किया, फिर वो एकदम से बोलती इनका ब्रिजमोहन जी का माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो वो पीछे बोलता रहता हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसको लग रहा है वो बोल रहा है, और न्यूज देखने वालों को पता होता कि ये बोल नहीं रहा, उसकी आवाज बंद होती है, वो लगा होता है। अच्छा, न्यूज पर भी किसी ना किसी का सीजन चलता है, आप कभी गौर से देखना, अगर एक आदमी को पकड़ देंगे ना तो उसी को पकड़े रखते हैं, जैसे धोनी को पकड़ लिया तो उस पर सारी न्यूज बनाएंगे, विराट कोहली को पकड़ लिया तो उसके पीछे पड़े रहेंगे। अच्छा, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तैमूर बेचारा छोटा बच्चा, करीना कपूर सैफ अली खान का बेटा, उसके पीछे लगे रहते हैं। एक बार करीना कपूर को तैमूर मिल नहीं रहा था, उसने फिर खुद न्यूज चैनल लगाया, कहती हो छत पे है पकड़ के ला। आजकल व्हाट्सएप पे विश करने का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ लोग तो सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग के साथ दो दो गुलदस्ते भेज देते हैं। अगर आज व्हाट्सएप चार्ज करने लगे, क्योंकि गुलदस्ते पे 10-15 रुपए लगेंगे, मजा आला किसी को बर्थडे पे भी विश कर दें ये लोग। तारीफ का क्राइटेरिया जो है वो भी सोशल मीडिया पे ही आजकल हो गया है,
लेडीज सब्जी बनाती ना, सबसे पहले फोटो फेसबुक पे डालती, भिंडी दो प्याजा। फिर आदमी अगर बोलता ना सब्जी अच्छी नहीं बनी तो भड़क जाती, क्यों 250 लाइक आए फेसबुक पे, आदमी और भड़कता है। फिर आदमी बोलता है फेसबुक वालों ने टेस्ट नहीं किए, ये मैंने किए, उनको खिला, फिर देखना क्या नीचे लिखते हैं, सब्जियां खिला के मारने वाली हत्यारन। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आपने कभी कोई ऐसी वियर्ड न्यूज सुनी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जी हेलो कपिल सर, हेलो अर्चना मैम, मेरा नाम अमनदीप है, मैं अमृतसर से आई हूँ। अरे वेलकम, मेरे शहर से आई हैं आप। थैंक यू। अभी जैसे आपने इतनी सारी वियर्ड न्यूज बताई, तो थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था कि एक सांप ने मॉडल को काटा और सांप मर गया। जो मॉडलिंग करती है वो वाली मॉडल? हाँ जी हाँ जी। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि मॉडल ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी, तो जहाँ सांप ने काटा वहाँ मॉडल की बॉडी में सिलिकॉन था, तो सिलिकॉन के जहर से सांप ही मर गया, मॉडल बच गई। सिलिकॉन में जहर होता है? तो मेरी सब जीव जंतुओं से प्रार्थना है कि किसी को काटने से पहले पूरा उसके बारे में रिसर्च कर लें, कोई प्लास्टिक की तो नहीं। अच्छा बड़ी बात यह कि आपने ऐसी खबर पढ़ भी ली, कितना टाइम है हमारे लोगों के पास। चलिए थैंक यू अमनदीप, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी मैडम। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी। दिल्ली में एक बार न्यूज आई थी कि लेडीज की चोटियां कट जाती थी। हाँ। तो वो जिस दिन मैंने वो न्यूज देखी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स लगा कि मेरी चोटी नहीं है। तो कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट इस न्यूज में मतलब इतना ज्यादा वहम लोगों में फैल गया, राजस्थान में तो लोगों ने व्रत रखने स्टार्ट कर दिए थे। तो किस भगवान को रिक्वेस्ट करनी होती है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? अपने कुल देवता को करती होंगी, और किसको करती होंगी। अच्छा। कि उनकी सुंदरता बनी रहे, उनके बाल ना कटे। अरे चोटियां चोरी करके कोई क्या करता होगा? वो बालों को चुरा कर ना उसकी विग बनाते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बेचते होंगे। हाँ, वो मेरे जैसे खरीदते होंगे। मेरे होता है बहुत बड़ा चोटियां काटने का, क्या धंधा सोचा है? सोचो आप। हाँ। फॉरेन में तो लोग वैसे ही पहनते ना खुशी से। हाँ। लाल रंग के बाल, नीले रंग के बाल। हाँ। लड़कियां घूमती रहती ना वो। हाँ। मल्टी कलर की। Yeah. पर हाँ ये न्यूज मैंने भी सुनी थी। धन्यवाद ये न्यूज शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी हाँ जी भाई साहब। हेलो सर। सर क्या हाल है? मेरा नाम राकेश है, चंडीगढ़ से आया हूँ। जी राकेश जी। सर ये खबर आपने भी शायद सुनी होगी कि 2016 की खबर है कि राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव था, वहाँ 100 साल पुराना एक पीपल का पेड़ था। तो सरकार ने उसको पेड़ को काटने की परमिशन नहीं दी कि पेड़ नहीं कटेगा। अच्छा जी। जिसका पास प्लॉट था उसने पेड़ के अंदर ही 3 मंजिला मकान बनाया। वाओ। और उसकी जो टहनियां थी वो खिड़कियों के बाहर से निकली, और टीवी में भी खबर आई थी ये। अच्छा। और उसका इन्होंने 8 महीने पहले मुहूर्त किया है, और उनके 2 बच्चों के साथ वो 3 फैमिलियां वहां रह रही है। तो उन्होंने पेड़ के अंदर, सर पेड़ था, पेड़ के अंदर उन्होंने ऐसे डिजाइनिंग किया है कि मकान की एक एक पेड़ ही पूरा, जैसे ड्राइंग रूम के अंदर से पेड़ की टहनियां निकल रही है, वो बाहर स्प्रेड हो रही है, किचन के अंदर से पेड़ की टहनियां निकल रही है। तो वो एक हेरिटेज कह सकते हैं उसको हम। तो उन्होंने उन्होंने संदेश दिया है कि हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो मैं आपके शो के माध्यम से ये अपील करता हूँ लोगों से कि जैसे हमें जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए हर व्यक्ति को, और उसकी रक्षा करनी चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ शो के माध्यम से। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं सर आप। मैं तो सोच रहा हूँ वो आदमी जब अपने बच्चों में मकान बांटेगा पता नहीं चलेगा रात को बड़ा बेटा कमरा काट के ले गया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी अभी अभी एक खबर मिली है कि कोई बड़े ही मजेदार गेस्ट आने वाले हैं। अच्छा। हाँ, साथ में ये भी खबर मिली है कि ये कपड़े नहीं चलेंगे। अच्छा, so I need to change my dress. And I also can change them. आप तो करी लो, पिछले हफ्ते से पहनी हुई है आपने। चलिए अर्चना जी, आज के जो हमारे मेहमान हैं, बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, तुझे तो अभी से आ रहा है ना मजा, है ना? क्या हो गया? तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनमें से एक बहुत ही हॉट है। ओहो। दूसरे जो हैं, वो बड़े ही हैंडसम हैं, बड़े ही टैलेंटेड हैं, दोनों जबरदस्त टैलेंटेड हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा
राजी, संजू, मनमर्जियां, मसान और उरी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से करोड़ों दिलों को जीतने वाले एक्टर, प्लीज वेलकम विकी कौशल। विकी, आपका हमारे शो पे एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, उरी के लिए भाई को नेशनल अवार्ड मिला यार, बहुत बड़ी बात होती है, हमने तो आज तक पास से भी नहीं देखा। अच्छा विकी भाजी, ये जो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, हाँ जी, तो आप सिफारिश करके किसी की भी गवर्नमेंट जॉब लगवा सकते हो। नहीं सीरियसली, अर्चना जी पूछ रही थी, मैं बोल रही थी आएगा तो पूछना। तेरे लिए ना? नहीं नहीं, इसके लिए सिफारिश कर रही थी मैं। नहीं, मेरे को ये बोली थी, कहती सैटरडे संडे तो चलो इधर निकल जाता, बाकी पांच दिन में फ्री रहती। मैं अच्छा, कुछ बोलूं? कितनी बड़ी, मैं कुछ बोलूं? मैं सिद्धू नहीं हूँ जो वहाँ गवर्नमेंट की जॉब भी करे और ये भी। यार सिद्धू भाजी, आप तो अपना चेक भेज ही दो, आप हो ना हो हर एपिसोड में आपका जिक्र तो हो रहा है। देखिए अच्छा, उरी कितनी ब्लॉकबस्टर हिट रही है। विकी, जब दूसरे प्रोड्यूसर्स आपसे आते हैं मिलने तो आपसे पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो आप तो ये कहते हो प्राइस हाई सर। प्राइस हाई होना चाहिए, ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स की हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू। जी भाजी, मैं पिछली बार आपसे मिला था तब उरी के लिए आए थे हम, जी जी, और दरख्वास्त कर रहे थे प्लीज जाके देखना, प्लीज जाके देखना। एंड सच्चे दिल से मैं सचमुच आज इसलिए भी आना चाहता था कि इसी प्लेटफॉर्म में मैं, ताकि फिर से हिंदुस्तान के सारे देशवासियों को थैंक यू बोल सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विक्की जो है इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। इनसे पहले विक्की, आपसे पहले तापसी पन्नू आई, सुशांत सिंह राजपूत आए, सोनू सूद आए, सब लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हो, आपको क्या नसीरुद्दीन शाह पढ़ाने आते हो उधर, क्या अमिताभ बच्चन आते, मतलब जिस इंजीनियर को देखो कमाल के एक्टर है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि टी सीरीज का एक नया सॉन्ग आ रहा है पछताओगे, तो जो विकी हैं इन्होंने उसमें परफॉर्म किया है। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो हैं जिन्होंने विकी के साथ इस खूबसूरत गाने में परफॉर्म किया है, प्लीज वेलकम वेरी हॉट वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। आए है नोरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोरा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत हैं आप। शुक्रिया। आपको पता है बच्चों में डोरा फेमस है, हम जैसों में नोरा ही है फेमस। एक्चुअली सही है, डोरा एक्सप्लोरर है ना। मैं तो नहीं देखता, मुझे तो किसी ने बताया है। है, डोरा एक्सप्लोरर। या डोरा अभी देखती हैं? ऑफ कोर्स, बचपन से। नोरा मीट छछोरा। मैं छिछोरा बनने को भी तैयार हूँ। छोरा, तू छोरा भी है। छोरा, हाँ। पछताओगे? आप तो नहीं पछता रहे, आपने तो साथ में काम किया है, पछता तो हम जैसे रहे। ये साथ में को एक्टर भी ब्यूटीफुल हो तो आर्टिस्ट को भी बड़ा मजा आता है, हमारे को आर्टिस्ट भी बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है। आपको नहीं बोल रहा मैं अरे मैंने बोला बड़े भाई की, मेरा ऐसे हाथ ये दिनेश की तरह जाने वाला। आप अपने ऊपर लेंगे। अच्छा, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही नोरा से। अच्छा। नोरा, नोरा का मतलब क्या होता है? नोरा, नूर ऑफ कोर्स मतलब लाइट है, एंड नोरा इज गॉडेस ऑफ लाइट। ओ वाओ, नोरा मतलब गॉडेस ऑफ लाइट, मतलब उजाले की देवी। एक्चुअली तभी मेरी टीम की आंखें खुल गई आज। कईयों का तो काम खत्म हो चुका है, वो गए नहीं फिर भी। Disgusting people. आइए नोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्की पाजी, बहुत बहुत स्वागत, आइए। नोरा, आपको मेरा सोफा दूर नहीं आज। Actually, ये लैंप होता था पहले। उधर होता था। Actually, मैं हमेशा इस शो देखती हूँ। हाँ। और मैंने नोटिस किया कि आपका सोफा इतना दूर नहीं होता है, बट इस एपिसोड में समझ में नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नोरा, पेट्रोल पंप पे जाती हैं आप? नहीं, अलाउड नहीं होगा ना। अलाउड नहीं है। हाय हाय, आई न्यू। पहले मैं जाती थी। पहले जाती थी? कौन सी कंट्री में? कनाडा में। हैं? तो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है। कहाँ? कनाडा में कौन से शहर से? टोरंटो। टोरंटो? यस। मैं, आई वाज जस्ट 5 आवर अवे, आई वाज इन वैंकूवर। ओ मैन,
Last week I was in Vancouver. Last week आप Vancouver में थे? Yeah. But वो तो Toronto नहीं है. Vancouver अलग है. आप कहो सही, हम चांद पे आ जाएं आपके चक्कर में. क्या कर रहे थे वैंकूवर में? अपनी बीवी के साथ थे. ये बताना जरूरी था. एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है. रियली? नहीं. नो नो. अभी वो दूर, प्लीज दूर रखो. अरे वो हमारी दूर की बीवी है वो. क्या अर्चना जी, आप भी ना. सॉरी कपू, सॉरी कपिल, सॉरी. शादी हुई थी 12 दिसंबर को. 13 से तो मैं फ्री हूँ ना. मैंने तो पूरा गाना देखा हुआ है. अब सबने देखा होगा. जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि जो नोरा और विक्की जो हैं एल्बम में, विक्की इनका बॉयफ्रेंड है. नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है. साइड बॉय. साइड बॉय? पूरे वीडियो में साइड बॉय था? नहीं नहीं, आप हस्बैंड हो. हाँ, वो जो मेरे साथ अच्छा, गाने में ये हस्बैंड है? हाँ, हाँ, वो मेरा हस्बैंड है गाना में. अच्छा. गाने में इसलिए मैंने बोला नो बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड है. बट एक और लड़का है जो मेरा साइड बॉय है. अच्छा, वो ही रख लो हमें. भाजी आप नोरा के साथ वैसा डांस कर दो, ये रख लीजिए. पैसा सही है, मैं सीख भी लूंगा. मैं 15-20 साल की बात है. और वैसी बॉडी भी पाजी. सीधा मना कर दो ना ये सब. पर ये एल्बम में मतलब जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि विक्की इनका बॉयफ्रेंड है. और उसके बावजूद ये दूसरे लड़के पे नजर रख रही हैं. आज भी आप विक्की के साथ आई हैं. आप चाहें तो दूसरे लड़के पे नजर रख सकते हैं. बशर्ते वो लड़का होना चाहिए. तो मैं क्या अधेड़ उम्र का व्यक्ति हूँ? अच्छा विक्की, आप सब जानते हैं कितने सक्सेसफुल एक्टर हैं. विक्की आप फिल्मों से तो कमा ही रहे हैं, कमर्शियल एड्स भी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपने म्यूजिक एल्बम के लिए टाइम निकाला, क्या वजह थी? चेक बहुत बड़ा था कि नोरा को देख के ना नहीं कर सके आप? नहीं, सच बोलो. मैं सच बोलूंगा. नोरा को देख के हाँ कहती. थैंक यू. दीपा जी, भूषण जी के साथ कई बार हमने कोशिश की थी कुछ कोलैबोरेशन हो. एंड आई थिंक म्यूजिक को जिस तरीके से टी सीरी समझता है वो सच में ऑडियंस की नब्ज समझते हैं. एंड फिर इसका जिक्र हुआ इस गाने का, तो जब मैंने गाना सुना तो मुझे पहली बार में पसंद आ गया था. एंड फिर मुझे टीम पता लगी दैट नोरा इज गोना बी अ पार्ट ऑफ इट. फिर अरिजीत जी गाएंगे, बीप्राक और जानी, उनके म्यूजिक को मैं बहुत फॉलो करता हूँ. और कुछ नया करने का भी मन था कि ये हाँ मैंने कभी पहले किया नहीं है तो ये भी करके देखते हैं. तो करके देखा, देखो आपको अच्छा लगे. बहुत ही अच्छा. नोरा, नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो तो आपको फ्री में कोई मॉडल चाहिए हो या जेब से भी पैसे खर्चने वाला चाहिए हो? एक्चुअली एक म्यूजिक वीडियो है मेरा. हाँ, जो मैं प्रोड्यूस करने वाली हूँ. आप होंगी उसमें? हाँ, और मुझे एक एक्टर चाहिए, मॉडल एक्टर चाहिए. अब मेरा नंबर ले लो. हाँ लेती हूँ, बाद में. पक्का ना? भूलना जाना. बट बहुत रिक्वायरमेंट्स है. अच्छा. आपको डांस करना है, आपको गाना भी करना है, एक्ट करना है. okay. थोड़ा सा मॉडलिंग करना है. हाँ, करेंगे ना सब. Are you मैं बैली डांस करूंगा घाघरा पहन के. मेरे को लो तो सही आप. मैं मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे. सॉरी. बड़ा पछताओगे. इस बार नहीं पछताऊंगी. नहीं पछताऊंगी. अरे शादीशुदा. सॉरी, आई एम सॉरी. नोरा, वैसे क्या खाती हैं आप? इतना जो ग्लो करती है आपकी स्किन, आप इतनी फिट हैं. शुक्रिया. क्या रूटीन है आपकी? बहुत जबरदस्त रूटीन है. पास्ता खाती हूँ. अच्छा. मैश पोटैटोज खाती हूँ. वाओ. राइस रोटी दाल खाती हूँ. इनके मुंह से राइस रोटी दाल भी कितना अच्छा लगता है. मैश पोटैटोज होता आलू ही है. पर इनके मुंह में जाते तो मैश पोटैटो हो जाता है. आप आलू खाती हो तो स्किन ग्लो करती है. हमारे आलू साइड से बाहर आ जाते हैं. पता नहीं ऊपर वाला. नोरा, जैसे अर्चना जी कभी अंधेरी से घाट को ऊपर जाती ना तो ऑटो वाला कभी कभी मना कर देता है. आपको तो नहीं करता होगा? अच्छा, आपके पास तो गाड़ी होगी ना?
गाड़ी नहीं है, मैं रिक्शा से आती हूँ। वैसे ही छोड़ जाते होंगे रिक्शा वाले की, बैठो आपको छोड़ देते हैं। ओके आपके पास गाड़ी है? साइकिल है? व्हिच वन? सफेद रंग की। सफेद लग्जरी कार या सुपर डुपर लग्जरी डीलक्स कार? ओह वाओ क्या बात है। और शादीशुदा है? सॉरी। नोरा, बहुत सारे ना लड़के ऐसे मुझे बोल रहे थे आपके आने से पहले, बोलते थे कि हमें ना ऐसे नोरा को इम्प्रेस करना है। मैंने कहा मैं नोरा से पूछ लूंगा फिर मैं उनको बुलाऊंगा। तो आपकी इजाजत है मैं उनको बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स, यस यस। कौन है? क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ओहो, तो कौन है जो? ओह माय गॉड, कितने सारे आ गए। आई थॉट इट वाज अ जोक। तुम लोग अपनी टीम में हो ना? हां, मतलब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। क्या करते हैं आप टीम में? साउंड टीम से हैं, तो ये हमारा साउंड रिकॉर्ड कौन कर रहा पीछे? साउंड टीम में इतना भी नहीं पता माइक में बोलना है। मर गए देख के नोरा को। सही है। आई लाइक नोरा मैम। हाय। आई लाइक। हां, यू लाइक नोरा मैम? ओके। और ये किस डिपार्टमेंट से हैं? सर फ्लोर टीम से। फ्लोर टीम से? तो एक खाली फ्लोर देख के आ गए हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, अपने लोग हैं। माइक देना जरा। आप कहाँ से आए हो चाची ताड़का? क्रिएटिव टीम। क्रिएटिव टीम से? अच्छा, क्या क्रिएटिव करते हो आप? कुछ नहीं। अच्छा, ये मेरी टीम ही इतनी शरारती है। आप कहाँ से हो? आप भी हमारे? मैं गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट हूँ। ओह ओके। गेस्ट हो? आपको तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ। गेस्ट हो ना आप? मेरा इधर। तुम लोग प्रपोज करोगे? चलो निकलो यहाँ से। बदतमीज कहीं के। मैंने तो वैसे ही बुलाया। ये रखना पड़ता है नोरा। आप रखा करो अपनी गाड़ी में। मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो। ऐसा क्यों किया? चारों में से कुछ था पसंद आपको? आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ। हेलो, उस सिंगल थे तो कोई अच्छा लड़का? शादीशुदा है, सिंगल हूँ, कुछ तो ढूंढना है ना। देखो वो सब मेरा ना शादीवादी पब्लिसिटी स्टंट था। Really? हाँ, वो भाजी ये सुन के जो घर पे स्टंट होने वाले हैं ना। ये हमारी कम बुआ है दिल्ली से। वो तो भूल गया। और दिल्ली से? पुआ दिल्ली से नहीं, दिल्ली पुआ से। वो अपने दिल्ली में होता ना, इतना सा कुत्तू बना रहा था, मैंने अपने हाथों से पानी दे दे के उसको वड्डा किया। और वो चांदनी चौक में पराठों वाली गली, हाँ जी, हाँ जी। वो पहले पुत पेड़ों वाली गली थी, पेड़ों वाली। हाँ। मैंने वेल वेल के पराठे वाली कर दी। तो लाल किला भी आप ही ने लाल किया होगा? नहीं, वो तो मेरे और तेरे फुफड़ जी की हरकतें देख के ब्लश हो के लाल हो गए। बुआ क्या करने आई हैं आप? क्या करने आई? मेरा पुत गुगू जा, मेरा पुत्तू। बच्चे आए हैं, उनको पुआ अपने हाथों से मटर पनीर की सब्जी खिलाने आई है। कहाँ है मटर पनीर? चैलेंज ना किया कर, झोले में सब कुछ होता है, जहाज, रनवे, मटर। फटाफट बातें भी करनी और मटर भी छिलने फटाफट। उधर क्या देख रहा है? जा पाज के गली से वीर पे को पनीर लेके आ। बुआ इतने बड़े स्टार आए, वो तेरे लिए क्या मटर छिलेंगे इधर? ओ आए कप्पू, तू अब मटर छिलने के लिए इंडस्ट्री छोड़ दे वो। बुआ के सामने कौन स्टार है? विक्कू, शाम पाई साहब का बेटा है ये तो। विक्कू तेरी बुआ हूँ मैं।
हाँ जी, श्याम भाई साहब घर आए ना तो उनको कहना कमो आई थी। हंस क्या रही है मटर शेर वो बेचारी नाजुक सी लड़की फूल जैसी से मटर छिलवा रही है। हाँ तो क्या हो गया पुत्र, तो मटर ही छिलवा रही, मैं कौन सा नारियल छिलवा रही हूँ। और एक बात कप्पू, वो कोई कमजोर नहीं है, लड़कियों को ना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत किया कर। हाँ। मैं तो कहती इसके साथ पंगा ले, इसके गोडे पे ऐसे कर। इसने ना टिग्गू से भी ऊंची किक मारनी है मेरे को। टिग्गू कौन है अब? टिग्गू बीड़ू भाई साहब का बेटा। बीड़ू भाई साहब टाइगर श्रॉफ। बीड़ू भाई साहब अरे रब्बा पुत्र, थोड़ी नॉलेज रखा कर, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। नाना बच्ची सुंडी नहीं खानी, बाहर निकाली। नहीं नहीं खराब है। खराब है तो उठे रख दे। सच्ची यार हॉस्पिटैलिटी इस बंदे को पता ही नहीं है। विकू देख पुत्र, हाँ जी, यहाँ पे बंदे आते हैं है ना, हम उनको चाय पानी पूछते, बातें करते, घर में भी कोई गेस्ट आता है तो तीन चार दिन हम रख लेते हैं ना। ये बंदा इतना दोगला बातें करता, फ्रूट आगे रख देता है। और फिर जैसे इसका एपिसोड बन जाता है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ऐसे कह देता है, ऐसे क्या देख रहा है विक्कू, तेरे साथ भी 20 मिनट बाद यही होने वाला है। इसने कहना आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे आग लगाने का इतना शौक ना, जैसे कि सास बहू वाले सीरियल में जाओ उधर आग लगाओ जाके। तो पुत्र ये कौन सा तूने चांदनी चौक में मोमोज की रेड़ी लगाई है, ये भी शो ही है। तू अपने शो को ना सास बहू के शो से कम मत समझा कर। उस शो में ना औरतें देख देख के सीरियल रोती है, और इस शो में इस औरत को देख के ना वो सबसे ज्यादा हंसने वाला आदमी रोता है। जी देखो नोरा, ये ना हमारी बुआ थोड़ी हिली हुई है। क्या हिली हुई मैं? ये क्या बोली जा? मेरे फूफा जी ने तो शादी इसलिए की, वो नुसरत फतेह अली खान साहब के बड़े फैन थे। अच्छा जी। तो पता नहीं उनको क्या नजर आया। मैं हिली नहीं हूँ, ये मेरा हेल्दी लुक है। तेरे फूफा जी मेरे को बेबी कहते थे तो ये बेबी फैट है। वरना दो मिनट में मैं पाजी श्रिंक को के नोरा फतेही बन जाऊं। चल हो जा फिर श्रिंक, हो जा फिर। वो तो मैं तो श्रिंक को के नोरा फतेही बन जाऊंगी, लेकिन तेरे फूफा भी तो विक्की कौशल बनने चाहिए ना। मटर 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 छिलो टीवी पे आ रहे हो आप भी। नोरा जी सुंडिया निकले ना। हाँ, सुंडिया। हाँ। उसको साइड में रख लेना, कल मैं सुंडी पनीर बनाऊंगी। हाय हाय। मटर मटर छिलो। लेकिन एक बात है, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। हाँ जी। और इससे भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तो मैंने क्या किया अब? कपूर तूने क्या किया? लड़की को 3-4 साल हुए इंडस्ट्री में आए, लड़की ने 2-3 सुपर हिट आइटम सॉन्ग दे दिए। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, मैंने तेरा आज तक आइटम सॉन्ग नहीं देखा। आइटम सॉन्ग मतलब मैं क्यों करूंगा आइटम सॉन्ग? पुत्र एक बात सुन ले, शिल्पा शेट्टी अब सोनी पे आती नहीं। हाँ? ये पैन जी की लचक कोई देखना चाहता नहीं है। और पूरे देश की उम्मीदें तेरे से है। हाँ। अब तू भी मना कर रहा है तो 9:30 बजे टीवी क्यों लगाए फिर? देख विक्कू, इसका शो आता वीकेंड में, शनिवार एतवार। हाँ, उस दिन लगे होते सबके थोड़े लिटल लिटल। उस दिन सबको देखनी होती कमर की लचक। हाँ। वो पावे अर्चना की हो या पुआ की, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अच्छा मटर छीले तेरे लिए नोरा पते ही है। हाँ। है, डांस करूं तेरे लिए मैं। हाँ। तू बड़ी देर तेरे माथे पे लोगो लगा सोनी का। या मलिंगा के बाल वापस कर क्या? अगला कैसी बातें करता है, ये बड़ा बदल गया है। इकू क्या बदल गया हूं? वैसा भी तो हूं मैं। इतना सा होता था इसकी मुछे भी नहीं आती थी, और अब 4 पैसे आ गए रोज शेव करता है। तो कभी कभी करनी पड़ती है, उसमें क्या है, मुझे दाढ़ी सबको आती है। तो हमको क्यों नहीं आती, हमने भी जवानी काटी बेटा, हमारी कभी नहीं निकली। और लेडीज को नहीं आती? लेडीज को नहीं आती, जाके पार्लर में पूछ, उनके धागे टूट जाते हैं लेकिन लेडीज की पूछे नहीं टूटती। हाथ दे, हाथ दे,
बटर छीन लो तुम। बुआ, तब से आई नोरा बेचारी मटर छिलवा रही है तू। तो क्या हो गया बेटा, बटर छिलवा रही तो फिनिश लाओ, दे दो मैं चलती हूँ फिर। मेरे को प्याज काटने, तड़का लगाना, अभी सब्जी बनानी है। कहाँ जाना है? मटर पनीर तो खिलाओ उनको। नोरा को? हाँ? मटर? हाँ? वो डाइट करती पुत्र, देख उसका फिगर, इसको क्या मटर खिलाओ? ऐसी डाइट लिया, 2 मिनट मटन बिरयानी को देख ले, 3 टकारे मार देती है। नहीं नहीं। तो फिर मटर क्यों छिलवा रही दिन से? हैं? अच्छा चल, कितनी लड़ाइयां पड़वाता है तू। मैंने मटर छिलवा भी लिए 4, तो मैं इनका गाना भी तो देख देख के व्यूज बढ़ाऊंगी ना उसके। क्या डांस करती पुत्र, ऐसे पोचे मार दी। मैंने ऐसे पोचे मार दी। पता नहीं ऐसा खुरकती अपने आप को, फिर मच्छर मारती, फिर खुरकती, फिर मच्छर मारती, है ना बुद्ध? हाँ है। कैसे करती है? ऐसे ऐसे फिर मच्छर मारती हूँ। पोचे मारने का मतलब पता है? हाँ, क्लीनिंग फ्लोर्स। चलो चलो, भी प्याज भी कट रहे हैं, आना बुद्ध अंदर, मटर पनीर बना के रखती हूँ। मैं तो काम करती रहती हूँ, मैंने अपने हड्डों में जंग लगाया बुद्ध, कभी भी मेरा नहीं कमाई मेहनत की खाते। ऐसे थोड़ी जुड़ा करके कुर्सी पे बैठ गए, चेक लेके निकल गए। अच्छा पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है क्या कि विक्की ने जितनी भी फिल्में की हैं, जैसे संजू में इनकी गर्लफ्रेंड संजय दत्त ले जाते हैं जो बने होते हैं, उसके बाद मनमर्जिया में अभिषेक बच्चन के साथ चले जाती हैं, राजी में इनकी बीवी वैसे ही एजेंट निकलती है, हैं मसान में वैसे ही मर जाती है, और इस वीडियो में भी ऐसा हो रहा है। अरे हाँ, इट्स ट्रू, सही है, इसलिए मैं हंस रही थी। पाजी आपको क्या लगता है, स्क्रिप्ट में दोष है कि आपकी कुंडली में स्त्री दोष है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली पाजी सोचने वाली बात है सच में। एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर है हमारे, अगली फिल्म में हीरोइन आपको ही मिलनी चाहिए, एजेंट भी निकले तो भी रख लो इधर। विकी ये सवाल मेरा नहीं जो मैं पूछने जा रहा हूँ। हाँ जी, ये बहुत सारी फैंस का सवाल है, कहते हैं आपने म्यूजिक एल्बम तो कर लिया, आपकी शादी का एल्बम कब तक देखने को मिलेगा? अच्छा मैं साफ बताता हूँ, तू अपने सारे कॉम्पिटिशंस काट रहा है, यू वांट एवरीबॉडी, सबकी शादी हो जाए, है ना? मैं सच बताता हूँ, ये जो ज्यादा बोली ना इन्होंने पूछा था। मैं बताता हूँ क्यों, इनका मैरिज ब्यूरो भी है। अच्छा हाँ, तो ये पूछ रही थी कि अगर नई रिश्ता हुआ कहीं तो मैं करवा, अभी तक सेटिंग नहीं तो मैं करवा देती हूँ। करवा दो, करवा और दो, इनके पास सारे अरेंजमेंट पता है, घोड़ी की राय पे देती हैं। और जब इनके सारे बंदे चले जाते और भी ऑर्डर आ जाए ना, खुद मूछे लगा के ये राजनाथ पासवान के नाम से ऑर्डर लेती हैं। नोरा आप पे लाखों लोगों का क्रश है, आपका किस एक्टर या कोई भी आदमी हो जिस पे आपका क्रश हुआ हो? जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स छोटी थी, मेरा क्रश ऋतिक रोशन था। ऋतिक रोशन? वाओ, हैंडसम मैन। ऋतिक रोशन तो सबके हीरो थे। हाँ, सबका, आई थिंक सबका क्रश। आपको भी तो ऋतिक बहुत पसंद है ना? मैं सर अभी पसंद है पाजी, बहुत पसंद है मुझे, ऋतिक सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मैंने जिंदगी में पहली बार जब पापा को कहा था कि मुझे किसी एक्टर से मिलना है, वो ऋतिक सर थे। वाओ, तो मैं उनसे मिला था। पाजी हीरोइन आपको कौन पसंद है सबसे ज्यादा? मेरा एक्चुअली सपना है कि कभी जिंदगी में मुझे माधुरी मैम के साथ काम करने का मौका। ओह अच्छा, मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ऐसा मौका दे कि कभी आप कोई फिल्म स्टार बन जाए, वो किस हीरो या हीरोइन के साथ अपने अफेयर की खबरें सुनना पसंद करेंगे? वाओ, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेचीदा सवाल। जी मैडम। हेलो कपिल, माय नेम इज ऐश। ऐश? या पूरा नाम है आपका, ये शॉर्ट नेम बोल रहे हैं? पाठक। ऐश पाठक? या वाओ, ऐश जी आप शादीशुदा है? आई मीन कुछ कह नहीं सकते। मतलब कहाँ से आई हैं आप ऐश? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में कहाँ से आई हैं आप? जी मैं पठानकोट। पठानकोट तो पंजाब में, पंजाब में पड़ता है। हाँ। कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं।
सॉरी जी ऐश, अगर मैं हीरोइन होती हाँ जी तो मैं अपने चर्चे अक्षय कुमार के साथ सुनना पसंद करती हूँ। क्या बात है, वाह। रीजन? वो हॉट, मैं भी हॉट। ओके। ऐश के कपड़ों का रंग भी केसरी है। एक्चुअली एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि सुबह को वो 4 बजे उठते हैं और रात को वो 10 बजे सो जाते हैं। बोलती है आप बड़ा प्यारा है ऐश। थैंक यू। किसके साथ आई यहाँ पे? मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, तो ये जो आपके साथ बैठे, ध्यान से बैठे, चुभ ना जाए आपको। ओह, शुक्रिया। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी जी भाई साहब। मेरा नाम राहुल है। अगर मैं सेलिब्रिटी होता तो मेरी खबरें नोरा मैम के साथ सुनने में मैं पसंद करता। और खबरें ऐसी होती अखबारों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अलसो। अच्छा, तो ऐसी खबरें होती कि नूरा फतेही और राहुल जगताप, इन्होंने शादी की फ्लाइट में, उस टाइम पे नूरा फतेही ने पहना था रेड साड़ी, राहुल ने पहनी थी गोल्डन शेरवानी, और उसमें उसने नूरा फतेही को बेली डांस करके दिखाया। ओके। और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे शाहरुख सलमान राहुल के घर। और मैं क्या कर रही थी? आप देख रही थी, बिकॉज आप सुपर डुपर परफॉर्मर हैं। हाँ। तो आपको मैंने बेली डांस करके दिखाया, तो इसलिए प्यार हो गया? नहीं, शादी हो गई तो सेलिब्रिटी हो चुका। अच्छा, ये अरेंज मैरिज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ ना। सेलिब्रिटीज की अरेंज मैरिज नहीं होती। हमारी शादी अरेंज था, और बेली डांस करने के बाद मेरा प्यार हो गया। नहीं नहीं, ये मेरी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ये मेरी स्टोरी है। तुम्हारा खत्म हो जाए मेरे को कॉल करना। नहीं, मैं आएगा, मैं आऊंगा, मेरे को कॉल करना। तो फिर क्या, कहां पे क्या हुआ? कहां पे क्या हुआ आपका, अभी बताओ मेरे को। नहीं, आपका क्या हुआ? हमारे वहां पे वो गेस्ट आई हैं, तुम कभी फ्लाइट में जा रहे हो, कभी शादी मना रहे हो, बेली डांस करा रहे हो। तुम क्यों उठ गई अंजलि? तो आप सीधे सीधे हमारी गेस्ट के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं? आप ही हमारे गुरु उस बारे में। आपके साथ शालू बैठी हुई है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरी रहेगी राहुल और शालू। सर, पीछे बीवी बैठी, अगर मैंने वैसा किया। आप शादीशुदा हो? हाँ जी। कहाँ है आपकी वाइफ? इतनी प्यारी बीवी आपकी, अनबिलीवेबल। ये लो बीवी, ये राहुल जगताप का जगताप काट दो। ये पाजी सच्ची गुरु चेल है, ये पाजी पूरे गुरु के कदमों पे चल रहे हैं। राहुल, इतना क्यूट कपल है आप दोनों, इतनी प्यारी खूबसूरत आपकी बीवी, आप शर्म फ्लर्ट कर रहे हैं। सर, रेड कलर का जैकेट ऐसा ही पहना था, ऊपर डेनिम पहना था, तब से तो मैं प्यार में ही पड़ गया। सर, अब शादी कर ली तो उससे पहले कर ली, अब मेरी क्या गलती है? शादी शुदा हो, हेलो बीवी इधर ही है, शर्म नहीं आती? शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, देख लो। देखो, राहुल की वाइफ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको माइक दो जरा। ये राहुल शरेआम आपके सामने फ्लर्ट कर रहा है, इतने घुंघराले बालों में, इतनी प्यारी बीवी आपकी, आपको क्या इनका करना है अभी, बताओ आप। कुछ नहीं, घर जाके देख लेंगे। कितनी क्यूट है बीवी, इनकी छाती पे चढ़ के तांडव करना जरा, तो समझ आए। बीवी के साथ आए फिर भी फ्लर्ट कर रहे हैं, डिस्गस्टिंग पीपल। आपका क्या नाम है? दीक्षिता जगताप। थैंक यू दीक्षिता। थैंक यू। थोड़ा संभाल के रखो राहुल को। यस सर। शुक्रिया राहुल, मजा आया आपसे मिलके। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त
जो यस मोना मोना अगर मैं एक एक्ट्रेस होती जी मुझे अगर मौका मिलता कोई एक्टर के साथ चर्चे में आने का वो विक्कू सर होते आपके साथ विक्कू सर विक्कू विक्कू हॉल से जोश विक्कू सर विक्कू आपने अभी प्यार से बोला हाँ सर मुझे बहुत पसंद है ना इसलिए सो स्वीट तो चर्चा क्या होती चर्चा ये होती कि आप और मैं मरीन लाइन पे टाइटैनिक पोज देते चलिए देखिए मरीन ड्राइव पे तो अब कहीं देर हो जाएगी यहाँ चाहती है तो यहाँ टाइटैनिक का पोज कर सकते How are you? What's your name? Rahat. Such a sweet name. अच्छा आप बताइए ship कहाँ है हमारी? नहीं आपको मैं scene देता हूँ एक आप खड़े हो जाइए यहाँ पे. Titanic में मैं पीछे situation बोलता रहूँ कि ये हो रहा है. आपको expressions देने हैं. आपको expression देने हैं. हाँ. अभी enjoy हो रहा है. गाना चल रहा है. जहाज का कैप्टन आया उसने बोला सामने बर्फ का टीला हम टकराने वाले हैं कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था कैप्टन ने कहा नहीं नहीं मुझे गलत फहमी हुई सच्ची में बर्फ का टीला आ रहा है मैंने आपकी दो जफियां डलवा दी 150 रुपए आपका आपकी तरफ थैंक यू राहत थैंक यू thank you so much sir thank you and Kapil sir I'm your big diehard fan thank you god bless you thank you sir. thank you thank you Rahat. thank you sir aur koi hai hamare dost ye aapko man ke dekha lagta hai mike aap koi nahi jo tiktok pe video banate ho haan ji ha are wah maza aa gaya aapko dekh ke aaiye maine bhi dekha hai are wah bahut bahut acha laga aapko dekh ke aaiye please मैंने इनका बकरा स्वैग का देखा है आपका हाँ ये दोनों वीडियो बनाते हैं बहुत प्यारा था अरे बहुत बहुत अच्छा लगता है अच्छा नमस्कार मैम कैसी हैं क्या हाल है सर हमने आपके बड़े सारे वीडियोस देखे हैं कैसे वीडियो बनाते हैं मतलब ये आपकी वाइफ है ना सर हाँ जी मेरी वाइफ है पर्सनली हाँ जी मतलब बेसिकली मैंने देखा एकता कपूर ने उस दिन ट्वीट किया था तो उसमें कोई तो गाना था उनकी फिल्म का था शायद बकरा स्वैग का हाँ तो ये ऐसे पीछे खड़े हुए थे मैम खड़ी थी और ये लिप सिंक कर रहे थे थोड़ा करके बताइए ना सर आज कहाँ कहाँ से आए सर हम लोग गोवा से आए हैं गोवा अच्छा गोवा रहते हैं वाव तभी इतने रोमांटिक है लवली प्लेस सर ये आइडिया कहाँ से आया आप जो इतने सारे वीडियो डालते रहते हैं बस लोगों को देखा कि सब लोग वीडियो बनाते हैं जी तो हमको भी लगा कि हम भी कर सकते हैं बिल्कुल बड़ा अच्छा करते हैं आप हाँ नाइस बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैसा अर्चना जी अच्छा है हेलो झूठ मत बोलो अच्छा तो हम कितना कमाल का लोग आया इधर हाय सर हाय सर ना ना सर हाय सर मैं बोल दे आपको बोलना हाउस द जोश उल्टा उल्टा हाय सर हाउस द जोश वेरी गुड सर यू आर कूल यू आर कूल वेरी गुड मैं सर आपको फ्रेंकली बताते आए आपका फिल्म उरी yeah. उरी yeah. मैं पूरी के पूरी देखे मैं लेकिन एक आपसे सवाल पूछने के थे मैं जानना चाहते हैं कि ये सुबह और दोपहर आपके कुछ लगते हैं क्या इनके क्या लगेंगे मतलब क्यों शाम उनके पापा लगते हैं मेरे को लगा कि सुबह दोपहर भी कुछ ये ना बच्चा यादव का भाई है लंदन से आया है मैं पहचान गया था पिछली बार मैं आपके भाई से मिला था योर ब्रदर या या ही इज इन द मिल्किंग बिजनेस या लाइक इन पाइलंडोरा जे ओ मैन आप बहुत खुशबूरत आए खुशबूरत नहीं है खूबसूरत तुम बहुत बसबूरत है लाइक मे बी लेकिन आपका सौंदर्य देख के मेरे वो उड़ गए क्या वो क्या होते हैं यार वो आदमी बहुत मदिरा पीता है मूर्छित हो जाता है हम ऐसा पानी लेके डालते हैं अचानक उसको वो आता है क्या होश आपका अरे इसको मदिरा का पता है मूर्छित का पता है
लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहेगी. क्या? सलाह क्या? सलाह, सजेशन. Yeah. Like सलाह advice. Sorry, क्या है मतलब? सलाह देना. आ सलाह. Sounds like an Arabic word. Yeah, yeah. ये अरबी शब्द है क्या? No, it's ऐसा लगता है. In London, we talk like that. Yeah. So मैं बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपना साकी साकी गाना ना नाके पे जाके मर गाना. क्यों? तो वो साकी नाका हो जाएगा. Lovely. Nora, don't mind. ये ऐसे कुछ भी बोलता है. नहीं कोई बात नहीं. बट ये क्या होता है exactly? ये क्या होता है? ये क्या है बताओ इनको. It helps me connect with people. एक जुड़ाव बना रहता है. वैसे मैं कुछ भी नहीं बोलता, ये आदमी को मालूम नहीं है मेरा वैल्यू. मैं लंदन में, मैं बहुत वो आदमी है यार. बड़ा इधर एक बहुत फेमस एक्टर है यार, वो ऐसा नंगे घूम रहे, रेडियो सामने रख कर ऐसा घूमते है. क्या नाम है? आमिर. आमिर. मैं लंदन में बहुत आमिर आदमी है. बहुत आमिर. सच ऊपर वाला इतना आमिर किसी को ना बनाए यार. मेरे लंदन में मल्टीपल बिजनेस है मैम सर, बहुत सारा. अभी मैं नया बिजनेस चालू किए है. मैं लंदन में कंचे बनाते है. कंचे कौन खेलता है? नहीं खेलता नहीं. आदमी का सर का बाल हम लोग ऐसा शेव करके उनको कंचा बनाते है. वो कंचा नहीं होता है, वो गंजा. ठीक है, तुम इतना इंजस्ट कर रहा है तो भान जाता है. भान जाता है, नहीं मान जाता है. ए यार तुम पूरा कंफ्यूज निकाल दिया यार मेरा. निकाल दिया. तुम इतना सारा कंफ्यूज लेके किधर से आता है यार? कंफ्यूज तो खुद है. तो तुम तमीज से बात करो. मैंने तेरे अच्छे के लिए बोला ना, तुम तो गुस्सा कर गए. नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा है. हाँ. मैं बोल रहा है अगर मेरे साथ कुछ धंधा करना है तुमको तो तमीज से बात करो. मेरा मैनेजर है, तमीज कुराना. साथ में काम करना है तमीज से. मेरे से बात मत करो, मैं बहुत अमीर है. अच्छा तू दिन पर दिन ना बेवकूफ होता जा रहा है. तुम बहुत अलकमंद है. अगर तुम इतने अलकमंद है तो मेरे को बताओ कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? Obviously, bro, same चीज के लिए same चीज क्यों मिलेगा? तुम कभी किसी दुकान पर दूध लेने को जाओ, वो तुमको दूध देगा सामने से, तुम भी सामने से उसको दूध देगा? पैसा देगा ना bro? यार तुम इधर सोनी को चुटकुला सुनाता है, कभी सोनी का ऑफिस में पैसा लेने जाएगा वो भी तुमको चुटकुला सुनाएगा. ब्रो तुम अपना ना दिमाग इस्तेमाल करो. दिमाग का दही मत करो, वरना एक दिन देखना ये अर्चना जी बहुत सारा पराठा लाएगा और तुम्हारा दिमाग का दही से लगा के खा जाएगा. अच्छा टेल मी वन थिंग, क्या करने आज इधर तू? मैं इधर विकी कौशल जी को अपना फिल्म के लिए साइन करने के लिए आए है. ओह ग्रेट. तो जो तुम तुम्हारे पास स्टोरी है? स्टोरी में नोरा जी से ले ले गए. नोरा के पास स्टोरी कहाँ से आई? इंस्टाग्राम पे रोज 5 स्टोरी डालता है यार. उधर से क्या है उसमें? अबे इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग होती है, फिल्म की स्टोरी अलग होती है. तो ठीक है, मेरा घर पे मेरे पास बहुत सारा स्टोरी का बुक्स है सर. एक उठा ले गए उधर से अपना थर्स्टी क्रो, उसके ऊपर बनाएंगे. वो ऐसा उठाता है पत्थर, पानी में डालता है, पानी ऊपर आता है, उस पर मैं फिल्म बनाएंगे. तो इसमें विक्की कौशल कहाँ है? वो विक्की कौशल का खिड़की पे तो बैठा है क्रो. तो फिल्म में लगाने के लिए पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो मैं फिल्म से कमाएगी ना. अरे पहले लगाएगा ना फिर कमाएगा ना. ना ऐसा किधर यार, मैं अगर कमाएगा नहीं तो लगाएगा कैसे? लगाने के लिए ना है. उदाहरण के लिए बात को समझो. किसके लिए? उदाहरण. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के लिए समझो. हाँ. जब तक कोई सिद्धू कुर्सी से खड़ा नहीं होएगा तब तक कोई अर्चना उस पर बैठेगा कैसे? तुम्हारा मैं कपिल शर्मा तुम्हारे अंदर वही नहीं है यार. वो
लेडीज का उम्र ऐसा बढ़ता है वो बहुत बढ़ बढ़ के क्या हो जाता है बुड्ढी बुद्धि ना आई तुम्हारे पास अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो नहीं तो पछताओगे Hey, that's a good title. पछताओगे. मैं ये टाइटल के ऊपर गाना बनाएंगे और आप दोनों को मैं म्यूजिक वीडियो में ले गए वो बन चुका है ऑलरेडी उसी का आज प्रमोशन करने आए हैं पहले हो गए तो क्या होता है यार सैटरडे का एपिसोड बना उसके बाद संडे का बना है ना अरे बनाने का जब्जा होना चाहिए अंदर अपने अंदर जब्जा को जगाओ बैम सर मेरे को अभी जाने पड़ेंगे मेरे को जाके शौचालय भी साफ करने हैं मैं उन लोग के साथ डील क्रैक किए हैं कि वो मेरे को अगर जाने देंगे तो मैं भी उनको साफ करके देंगे It's a give and take. So मैं अभी चलता है थोड़ा शौचालय का क्लीनिंग करने But I'll see you. All right. Thank you. Nice meeting you, bro. Yeah. I'll see you. Yeah. वाह एक बार नोरा और विक्की के लिए जोरदार तालियां पाजी आइए अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का विकी नोरा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बड़ा मजा है आप लोगों से बातें करके एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और आपके एल्बम को ढेर सारी बेस्ट विशेस करोड़ों व्यूज मिले थैंक यू और आप दोबारा एक और अच्छा सा एल्बम बनाए और दोबारा वापस आए थैंक यू पाजी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू थैंक यू पाजी लव यू और नोरा वन थिंग मोर जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म आ रही है या गाना आ रहा है ऐसे भी आती रहा करो हां ठीक है ओके थैंक यू आपने बाटला हाउस देखी मैंने बाटला हाउस देखी और मेरे लिए सरप्राइज क्या था मुझे लगा कि पहले मैंने जब वो फिल्म में आपका गाने का एड देखा था तो मुझे लगा सिर्फ आपने गाना किया है लेकिन आपने कितना अच्छा एक्ट किया थैंक यू वेरी गुड वेरी नाइस शुक्रिया बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी दूसरी जगह जाके वहां का कल्चर तो सीखते ही हो वहां की लैंग्वेज सीखना और इतने अच्छे तरीके से उसको निभाना आपने बहुत खूबसूरत काम किया और आपने बाटला हाउस का जिक्र किया है साथ ही साथ ही गाना तो आप सबने देखा है नूरा का खतरनाक डांस जो है ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ना हो तो नूरा यहाँ पे खूबसूरत परफॉर्मेंस देने जा रही है जोरदार तालियां नूरा के लिए नूरा ब्यूटीफुल नूरा आई लव यू कृष्णा सुपर अच्छा ये हम लोगों ने ये गाना फिल्म में भी देखा था नूरा लेकिन एक ही फ्लो में आपने इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया सुपर माइंड ब्लोइंग थैंक यू सो मच नूरा आप हमारे शो पे आई बड़ा मजा आया एक मिनट भाई साहब किधर घुस गए आप अच्छा भला लड़की कहते साकी साकी ये क्या था घुस गया तो सभी तो घुस कर आए शो पे नॉर्मली कौन आया पहले ये बताइए ये दिनेश कौन सा यहाँ इंटरव्यू देकर आया है अर्चना जी कौन सा ग्रेजुएशन करके आई है सभी घुसे हैं यहाँ पे भाई ये अच्छा है मैं तो क्या लोगों को बताना चाहता था कि हम कॉमेडी के साथ साथ डांस भी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं हमारे शो में बधाई हो तेरे इस एपिसोड की पेमेंट गई पेमेंट गई मेरी ये पता कितनी पेमेंट थी तुम्हारी नोरा के साथ डांस कर रहा था अगर ये मेरी पेमेंट थी तो भाई मेरा और भी डांस बनता है फिर है कि नहीं बताइए आप लोग ठीक है तो ये कृष्णा का आखिरी डांस होगा आइए डांस गया तेल लगाने भाई करना क्या है बताओ उधर गुड नाइट बोलो सबको हाँ गुड नाइट पूरा बोलना है हाँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो जो ये कहता है वो करते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो आइए नूरा चलते हैं एक मिनट नूरा थैंक यू गुड नाइट शबाब किधर जा रहे हैं ऐसे कैसे शो खत्म हो गया ना बाहर तो हम नाच सकते हैं ना प्रॉब्लम क्या कम बाय ऑडियंस बाय अच्छा जस्ट टेक केयर एक मिनट नोरा नाम चले व्हाट
Yes, married, married. Arey, see you after 10 years. We will have some nice dinner. Arey, what dinner? He's married. Be aware of him. So, teri shaadi nahi hui? Ha, to bahut time ho gaya na us baat ko. To ho gaya abhi kafi time. तुम्हें क्या हो गया उसमें? हम की शादी भी है? हाँ। वहाँ पर ये दोनों शादी। हमें सब सुनाई दे रहा है। नौरा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.